एकनाथ खड़से विपक्ष के नेता महाराष्ट्र में, वहाँ उनके बेटे ने खुद को गोली मार ली जिस और उसके बाद मौत हो गई है, ये खबर आ रही है। एकनाथ खड़से के बेटे निखिल ने खुद को गोली मारी जलगांव में और फिर उनकी जान चली गई है। बताया जाता है कि डिप्रेशन में थे, राजनीति में कामयाब ना होने की वजह से। एबीपी संवाददाता नीलेश खरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, क्या 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 पता चला है? किशोर, अब तक जानकारी ये नहीं उपलब्ध हो पाई है कि आखिरकार निखिल खड़से ने अपने आप पर गोली क्यों चलाई और ये खुदकुशी क्यों की। लगभग 4:30 बजे के आसपास ये घटना हुई है। उसके बाद उन्हें इदलाबाद, जो कि एकनाथ खड़से का चुनाव क्षेत्र है, वहां से जलगांव की तरफ लाया जा रहा था। वही बीच में गोदावरी अस्पताल में उन्हें एडमिट किया गया, वहां ट्रीटमेंट जारी थी। तब डॉक्टरों द्वारा जो जानकारी दी गई थी, निखिल खड़से सीरियस थे, लेकिन 6:05 पर अस्पताल द्वारा ये घोषित कर दिया गया कि निखिल खड़से का निधन हो चुका है। हालांकि निखिल खड़से जो है वो राजनीति में बड़ी महत्वाकांक्षा रखते थे। पिछले दिनों इसी महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने एकनाथ खड़से पर दबाव डाल बीजेपी का चुनावी टिकट भी पाया था विधान परिषद के लिए। हालांकि ये चुनाव वो हार गए थे और तभी से निखिल खड़से निराश रहा करते थे, इस प्रकार की जानकारी जो है उनके निकटवर्तियों द्वारा दी गई है। और ये कारण हो सकता है, लेकिन अब तक पुख्ता कारण क्यों आखिरकार निखिल खड़से ने अपने आप पर गोली चलाई, इस बारे में ना तो पुलिस प्रशासन से और ना ही परिवार द्वारा किसी भी प्रकार के स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने आई है। शुक्रिया नीलेश आपका।